हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो ये वैल्यूज हमें दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लेंगी या नहीं लेंगी। तो अब देखो, हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके हम ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इक्वल टू, अब इधर से इसको 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 6। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वैल्यूज भी हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू। अब राइट साइड में सभी वैल्यूज इधर लेफ्ट साइड में आ गई हैं, तो राइट साइड में रह गया 0 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास देखो 2x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसका साइन पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 1 और 6, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म ये होती है, ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी डिग्री भी है 2 और सिंगल वेरिएबल का इसमें यूज हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल यूज होता है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट साइड में जो वैल्यूज है इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं, 2 3 6 और ये नेगेटिव है तो माइनस 6, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x। अब फिर से हम इन वैल्यूज को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज होंगे साथ में, प्लस 6 माइनस 2x, राइट साइड में आएगा 0। एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव है 2x और ये भी नेगेटिव है 2x, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 4x आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ है और जो इसकी डिग्री है वो भी कितनी है 2। तो इसको भी हम राइट कर लेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे x, 2 की मल्टीप्लाई फिर x से करेंगे माइनस 2x, 2 की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। और इक्वल में जो वैल्यूज हैं इनको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ प्लस 3x, माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। ये तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, राइट साइड से लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो साइन चेंज कर देंगे सभी वैल्यूज का और इक्वल में रह जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये हो गए कैंसिल। अब एक्स वाले देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 2x प्लस 3x क्या आ जाएगा एक्स, माइनस 2x प्लस 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 2 है और माइनस 3 है, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 और इक्वल में हमारे पास है 0। ये हमारे पास आए हैं x माइनस 5। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक फॉर्म ये होती है, जो इसकी डिग्री है वो 2 होगी लेकिन इसमें डिग्री 1 है,
तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम राइट कर देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में देखो, ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी गई है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस x। माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ, माइनस 6x। 3 की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ होगी तो माइनस 3। इक्वल में जो x है ब्रैकेट के बाहर, इसकी मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 के साथ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। फिर से हम राइट साइड वाली वैल्यूज को इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे। पहले जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज है उनको राइट कर लेते हैं। राइट साइड से आएंगी वैल्यूज तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल में रह जाएगा 0। अब देखो x की पावर 2 वाली वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 2। एक का साइन पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब x वाले टर्म्स देखो कितनी है, x माइनस 6x माइनस 5x, तो ये आ जाएगा माइनस 10x। कॉन्स्टेंट टर्म्स देखो, माइनस 3 है तो ये माइनस 3 आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास है 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये एक सिंगल वेरिएबल है इसके पास, तो इसको हम राइट कर देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट में 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2x स्क्वायर। फिर 2x की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 के साथ, तो यह आ जाएगा माइनस 6x। माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस x। माइनस 1 की मल्टीप्लाई अब करेंगे माइनस 3 के साथ, तो यह आ जाएगा 3 इक्वल टू, इनकी भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो माइनस x। 5 मल्टीप्लाई x करेंगे तो प्लस 5x। 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। राइट साइड से वैल्यूज लेफ्ट साइड में आएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x स्क्वायर आएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस 5x ऐड हो जाएंगे, माइनस 11x आ गया है। कॉन्स्टेंट टर्म में हमारे पास है 3 और प्लस 5 ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस 8 इक्वल में है 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है और जो इसकी डिग्री है वो भी 2 है, तो इसको हम राइट कर देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट देखो, इसमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इक्वल में हमारे पास है x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसको हम खोल लेंगे फॉर्मूले से। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यूज करेंगे हम, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस b स्क्वायर करना है, b हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 4। अब हम राइट साइड वाली वैल्यूज इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, जो पहले ही लेफ्ट साइड में हम उनको राइट करते हैं। राइट साइड से वैल्यूज आएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इनको कैंसिल कर देंगे x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। x वाले टर्म्स देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी, 7x आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारे पास है, 1 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आ जाएगा माइनस 3 और इक्वल में हमारे पास है 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेवंथ क्वेश्चन में x प्लस 2 का क्यूब हमें दिया गया है, a प्लस b,
इसका अगर हम क्यूब करें तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स प्लस टू का क्यूब को, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा एट प्लस थ्री मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी करना है तो ये आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई टू और ब्रैकेट के अंदर आएगा ए प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल में हमारे पास है टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एट थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्स एक्स और ब्रैकेट हमारे पास एक्स प्लस टू, राइट साइड में हमारे पास है टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एट सिक्स एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स की मल्टीप्लाई टू के साथ करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व एक्स। इक्वल में हमारे पास है टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स, राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में ले आएंगे साइन चेंज कर देंगे माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल में आ गया है जीरो। एक्स क्यूब वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वेयर वाली हमारे पास एक टर्म है प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स वाले टर्म्स देखो ट्वेल्व और टू दोनों पॉजिटिव हैं ऐड हो जाएगी फोर्टीन एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास एक है और ये है एट इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो थ्री है तो हम राइट कर देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज हैं इनको हम एज इट इज राइट कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व करें माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे हमें दी गई है क्यूबिक फॉर्म तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स माइनस टू क्यूब तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई टू और यहाँ ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस टू का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा माइनस एट, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट, माइनस सिक्स एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स। इन वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे एक्स क्यूब नेगेटिव प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स। एक्स क्यूब के साथ देखो दोनों के अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है हमारे पास ये और ये अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म हमारे पास है माइनस एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स ये आ जाएगा माइनस थर्टीन एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है वन और एट पॉजिटिव है तो ऐड होके आ जाएगा नाइन और इक्वल में है जीरो। तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें वन वेरिएबल का यूज हुआ है और जो डिग्री है इसकी वो भी टू है तो हम राइट कर देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।